हेलो, माय नेम इज़ प्रियांशु जैन और इस वीडियो में हम जानेंगे एक क्वेश्चन जिस जो कि मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशंस लिया गया है। और इसमें हमें क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा है, इस क्वेश्चन में आपको एक्स की वैल्यू वी एक्स की वैल्यू दी गई है। और पहले क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड के, दूसरा इवेलुएट पी एक्स इज लेस देन सिक्स, पी इज ग्रेटर देन सिक्स, पी इज बिटवीन जीरो एंड फाइव, एंड थर्ड क्वेश्चन है इस एक्स इज लेस देन एक एंड ग्रेटर देन वन बाई टू, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए। एंड फोर्थ क्वेश्चन का पूछा गया डिटरमाइन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ एक्स। तो इस क्वेश्चन में टोटल चार क्वेश्चन पूछे गए हैं और एक एक करके सबको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं फाइंड के। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड के। तो फाइंड के हमें कैसे करना है, सबसे पहले हमें जो वैल्यूज दिए हैं वो दिए हैं एक्स से लेके अपनी वन जीरो से लेकर सेवन तक, और पी एक्स दिया गया है। तो इस केस में जो है, जब हम बात करते हैं, एक होता है अपना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन और एक होता है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और मास फंक्शन में अंतर क्या है, ये वाला जो एग्जांपल है वो है हमारा प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन से। मास फंक्शन यानी कि एक पर्टिकुलर वैल्यू दी जाती है इसकी, जैसे कि जीरो की वैल्यू जीरो दी है, वन की वैल्यू के दी है, टू की वैल्यू टू के दी है। तो ऐसे ही हमें सेवन तक एक एक वैल्यू सबकी दी गई है, तो मास फंक्शन के अंदर आता है। और हम जब डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की बात करते हैं तब हम इंटीग्रल का यूज़ करते हैं और उसमें कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं दी जाती, और केवल एक लिमिट दे दी जाती है कि जीरो से लेकर इनफाइनाइट या जीरो से लेकर एन या जो भी वैल्यू दी जाती है वो। अब यहाँ पर फाइंड के निकालना है हमें, तो कैसे निकालेंगे फाइंड के निकालने के लिए, बस जब भी आपका ये क्वेश्चन आता है तो हमें क्या करना रहता है, समेशन ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू वन, जो कि हमारे पास जीरो से लेकर सेवन तक टर्म्स दिए हैं, तो जीरो से लेकर सेवन लिख लेंगे, पी एक्स लिखा है और इक्वल टू वन लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें करना क्या है, जो पी एक्स की वैल्यू जितनी दी है उन सबको प्लस कर देना है। पी एक्स की वैल्यू यानी कि ये दो वैल्यू दी हैं सबको प्लस कर देंगे, और सबको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, प्लस कर लेते हैं यहाँ पर। चलिए प्लस करते जाते हैं, के और टू के थ्री के, थ्री के और टू के फाइव के, फाइव के और थ्री के एट के, एट के और के यहाँ पर नाइन के हो गए अपने पास, टोटल हो गए 9k। तो यहाँ जो आया 9k प्लस, अब k स्क्वायर की बात करते हैं, k स्क्वायर कितने हैं हमारे पास, एक तो k स्क्वायर ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है। तो टोटल जब इन तीनों का करेंगे तो 10k स्क्वायर आएगा अपना, 10k स्क्वायर। और आगे बात करते हैं तो यहाँ पे एक और चीज़ तो नहीं बच रही है, बस यही बच रहा है, और बस ये अपना आ चुका है इक्वल टू में वन है। अब हमें करना क्या है कि इस वन को उठा के ले आना है इधर, 10k स्क्वायर प्लस 9k माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको सॉल्व कर लेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा, k प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, और k की यहाँ पे दो वैल्यू निकलने वाली हैं, एक निकलेगी 1/10 और एक निकलेगी k इज इक्वल टू माइनस वन, क्योंकि माइनस वन निगेटिव है और इसको हम रिजेक्ट कर सकते हैं। तो आंसर जो आने वाला है वो k का आने वाला है 1/10। तो बस यही थी k की वैल्यू। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से, और क्वेश्चन सेकंड में पूछा गया है हमें इज लेस देन सिक्स, और इसमें पूछा गया इज ग्रेटर देन एन इक्वल टू सिक्स एंड बिटवीन ज़ीरो टू फाइव। जब हम लेस देन सिक्स की बात करेंगे तो सिक्स से कितने छोटे हैं, यानी कि फाइव तक, सिक्स से छोटे हैं यानी कि फाइव फोर थ्री टू वन ज़ीरो, इन सब की वैल्यू को हम क्या करना है, प्लस करना है। तो हम यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लेस देन सिक्स की, तो लेस देन सिक्स करेंगे तो क्या करेंगे भाई, सबको प्लस कर लेंगे जो जो हमें वैल्यू मिल रही है, एक्स इज इक्वल टू वन, पी एक्स इज इक्वल टू टू, पी एक्स इज इक्वल टू थ्री, पी एक्स इज इक्वल टू फोर, पी एक्स इज इक्वल टू फाइव, और ये सभी वैल्यूज को हम क्या करने वाले हैं, प्लस करने वाले हैं, क्योंकि हमें जीरो की वैल्यू दी है जीरो, और इन सबको चलिए प्लस कर लेते हैं यहीं पे, यहाँ पे जीरो के टू के टू के थ्री के के स्क्वायर, इन सबको प्लस कर लेंगे थ्री टू फाइव और टू सेवन और वन एट, एट के और के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर।
ठीक है, ये हमारा जो आया गया है प्लस आ चुका है, किसका आ चुका है, अपना जो हमने पी इज़ लेस देन इज़ 6 का। अब इसमें हम k की वैल्यू रख सकते हैं, k की वैल्यू इसमें रखेंगे 1/10, और 1/10 रखने पे जो आएगी वैल्यू वो लिख लेते हैं 1/10 प्लस 1/10 का होल स्क्वायर, और 8/10 प्लस 1/100। इसकी जो वैल्यू हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे मिलेगा, वो मिलेगा 81/100। तो ये तो हो गई हमारी p इज़ लेस देन 6 की बारी। अगर हम अब इसी में इज़ ग्रेटर देन 6 इक्वल टू 6 पूछा गया था, तो हम इसको कुछ ऐसे सॉल्व कर लेंगे। जो कि हमारे पास ये वैल्यू अभी हम पहले ही निकाल चुके हैं -81/100। तो इस तरीके से हमारी जो वैल्यू आने वाली है वो आने वाली है 19/100। अब हम लास्ट और आगे की तरफ बढ़ते हैं, जो कि वैल्यू है हमारी 0 और 5 के बीच की। तो 0 और 5 के बीच में जब बात करेंगे तो पी एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 2, एक्स इज इक्वल टू 3 एंड एक्स इज इक्वल टू 4, 1, 2, 3, 4। ये चारों की वैल्यू हम प्लस कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो आपको देख, इतना सिंपल क्वेश्चन था ये कि ये 8 के आने वाला है और 1/10 इसमें रख के इसका जो लास्ट आंसर आएगा वो आएगा 4/5 आंसर। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, जिसमें बोला गया था क्वेश्चन में कि बताइए कि पी और एक्स इज लेस देन इक्वल टू ए इज़ ग्रेटर देन 1/2। ये हमें दिया गया था और बोला गया था कि बताइए कि ए की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो ये जो है आपको डायरेक्ट आप इसको कैसे सॉल्व नहीं कर सकते, बाय ट्रायल मेथड के थ्रू इसको हम सॉल्व करेंगे, बाय ट्रायल मेथड। बाय ट्रायल मेथड कैसे सॉल्व करेंगे चलिए देखते हैं। हमें जो वैल्यूज़ दी गई थी वो हम चलिए एक बार एक नज़र मार लेते हैं कि कैसी वैल्यू दी थी यहाँ पे, कि 0 से लेके 1 ये हमें 7 तक वैल्यू दी गई थी। और अब आगे हम देखते हैं क्वेश्चन में कि हमें पूछा गया है कि इस प्रोबेबिलिटी की वैल्यू, इस प्रोबेबिलिटी की वैल्यू जो है वो होना चाहिए इज़ ग्रेटर देन 1/2 से ज़्यादा होना चाहिए ये वैल्यू इसकी। तो हम एक ही जगह एक ऐसी वैल्यू रखेंगे कि उसकी वैल्यू 1/2 से ज़्यादा हो। तो ये हम कैसे रख सकते हैं, हम इसमें ट्रायल करके इसमें रख रख के हम देख सकते हैं, क्योंकि जब तक हम इसमें रखे नहीं देखेंगे तो फिर हम कैसे पता लगा पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें हमारे पास ट्रायल मेथड करने के लिए ये किए, सबसे पहले तो हमें जो वैल्यूज़ दी गई हैं वो दिया है x, और जो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हम निकाल रहे हैं, और p x इज लेस देन x, x की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ये 0 से लेकर 7 तक हमने वैल्यू लिख ली हैं, और ये जो पी एक्स इसमें हम वैल्यूज रखेंगे। तो 0 की वैल्यू हमें 0 दी गई थी जैसे कि क्वेश्चन में लिखा है, और इसके बाद जो सेकंड वैल्यू है वो दी गई थी k, और थर्ड वैल्यू जो दी गई थी हमें हम दी गई थी 2k, लेकिन इसे इसमें हम पिछले वाली भी वैल्यू को ऐड करेंगे जिससे कि हमारी वैल्यू हो जाएगी 3k। ऐसे ही आगे वाली जो वैल्यू दी गई थी 3 की वो दी गई थी 2k, 2k में हम इस 3 को प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 5k। ऐसे ऐसे हमें क्या पीछे के वैल्यूज़ को हमें ऐड करते जाना है, ऐसे कि फोर्थ नंबर पे जो दिया था 3k, 3k में 5k जोड़ देंगे 8k आएगा। ऐसे ही और आगे बढ़ते जाते हैं, 8k प्लस k स्क्वायर, और 8k
प्लस 3k स्क्वायर, आई थिंक थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। हाँ, ये फोर्थ का वैल्यू था, ये फिफ्थ का वैल्यू है, ये सिक्स्थ का वैल्यू है। अब हम सेवन्थ की वैल्यू लिखने जा रहे हैं, 9k प्लस 10k स्क्वायर। अब हम इसमें k की जगह 1/10 रखेंगे तो हमारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। ये 1/10 आ चुका है, ये 3/10 आ चुका है, ये 5/10, 4/5, 81/100 और 83/100 और 1। तो ये वैल्यू सब हम लिख चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि हमारी वैल्यू जो है वो आनी चाहिए 1/2 से ऊपर। तो ये देखिए 1/2 से कम है, 1/2 से ये भी कम है, ये 1/2 के बराबर है। तो हम लेकिन हमें चाहिए थी 1/2 से ज़्यादा, तो ये 1/2 के बराबर है, यानी कि इसको कट करते हैं तो 1/2 आता है, लेकिन 1/2 से ज़्यादा चाहिए, यानी कि हमारी वैल्यू जो है वो आ गई 4। तो हमारा आंसर आना चाहिए इसका 4। तो एक ही जगह हम रखेंगे क्या, 4। अब हम आगे बात करते हैं जो कि चौथा क्वेश्चन बोला गया था। चौथे क्वेश्चन में बोला गया था कि भाई निकालिए आप इसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। क्या निकालना है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अब डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कैसे निकालेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो कि हमने निकाल चुके हैं अभी कुछ देर पहले हमने निकाला था, ये सभी थे डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो ये कैसे निकालते हैं अब आप भी जान चुके हैं। तो बस इस क्वेश्चन में इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।